गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर डूइंग सोशल साइंस ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड एंड टुडे वी विल डू चैप्टर फिफ्थ ऑफ हिस्ट्री, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इस चैप्टर में हम किंगडम्स मतलब जो राज्य, राजाओं के जो राज्य होते थे, किंग्स राजाओं के बारे में, एंड अर्ली रिपब्लिक, और अर्ली रिपब्लिक मतलब जो गणतंत्र राज्य थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो बी कंटिन्यू। हाउ सम मैन बिकम रूलर, कि कुछ लोग जो हैं वो रूलर्स कैसे बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। चूजिंग लीडर और रूलर बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। सो क्योंकि लास्ट 50 ईयर्स से जो रूलर्स को चूज़ करना, राजाओं को चूज़ करना वोटिंग के द्वारा, वोट देकर उनको राजाओं को चूज़ करना, मतलब यह कॉमन हो गया है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट, और लेकिन जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, बीते समय के बारे में बात करते थे, तो उसमें राजाओं को कैसे चूज़ किया जाता था, कैसे राजा बनते थे लोग, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द राजास प्रोबेबली चूजन बाय जनास द पीपल, कुछ राजास प्रोबेबली मतलब अक्सर, जनास जो पीपल, जना मीन्स पीपल, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब कुछ राजा लोगों के द्वारा चुने जाते थे। बट अराउंड 3000 ईयर एगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वे इन विच राजा वर चूजन, लेकिन हम 3000 साल पहले की बात करते हैं तो हम देखते हैं कुछ चेंजेस थे, कुछ बदलाव थे कि जो राजाओं को चुना जाता था उसमें कुछ चेंजेस थे। मतलब अब हम क्या देखते हैं कि जो राजा वगैरह या कोई शासक है तो वो लोगों के द्वारा चुना जाता है या फिर वोटिंग क्रिया के द्वारा चुना जाता है, लेकिन हम 3000 साल पहले की बात करते हैं तो राजा कैसे चुने जाते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस, कुछ लोग जो राजा बनते हैं वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, यज्ञ करके करने के बाद वो राजा वगैरह बनते थे, सैक्रिफाइसेस मीन यज्ञ। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल, और इन यज्ञ क्या होते हैं, धार्मिक कार्य, इन रिचुअल्स मीन धार्मिक कार्य, इन धार्मिक कार्यों में से जो एक मतलब सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था उसे बोलते थे अश्वमेधा यज्ञ, जैसे कि उसे हॉर्स सेक्रीफाइस बोला जाता था। ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वांडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय राजास मैन, एक राजा अपने हॉर्स को मतलब खुला छोड़ देता था और मतलब उसे खुला छोड़ देता था कि वह किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह जा सके, और वह जो हॉर्स था उसको राजा का जो मैन मतलब राजा के जो सर्वेंट होते थे वो उसको गार्ड करते थे, उसकी मतलब देख रेख करते थे उस घोड़े की, वह कहाँ कहाँ जाता था, उसके राजा के जो मैन होते थे उसके पीछे पीछे ही जाते थे। इफ़ द हॉर्स वांडर्ड इन टू द किंगडम ऑफ अदर राजा एंड दे स्टॉप इट दे हैड टू फाइट, अगर वो जो घोड़ा था जो राजा, एक राजा अपने घोड़े को छोड़ता था तो वह घोड़ा किसी दूसरे राजा की किंगडम मतलब राज्य में जाता है और वह राजा उसको स्टॉप मतलब रोक लेता है उस घोड़े को, तो उसका मतलब है कि उस राजा को जिसने घोड़ा छोड़ा था उसके साथ मतलब फाइट करनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है। इफ दे अलाउड टू हॉर्स टू पास इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड द राजास who wanted to perform the sacrifice was stronger than them, अगर मतलब अगर घोड़ा किसी दूसरे राजा के प्रदेश में जाता तो वह उस घोड़े को वहाँ से जाने देते, पकड़ने के अलावा मतलब वहाँ से जाने देते, तो इसका मतलब क्या होता कि वह राजा मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा राजा जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको अपने से ज़्यादा स्ट्रोंगर मानते हैं, पावरफुल मानते हैं। दीज राजा वर देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइज विच वर परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन प्रिस्ट हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट, अब जो राजा मतलब जिस जो राजा घोड़ा छोड़ता था और जब वो घोड़ा दूसरे राजा के प्रदेश में जाता है तो वह राजा उस घोड़े को पकड़ने के अलावा उसको जाने देता है, तो इसका मतलब था कि वह राजा जिसने घोड़ा छोड़ा था उसकी अधीनता को उसने स्वीकार कर लिया, जब अधीनता को स्वीकार कर लेता था तो वह जो राजा जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था तो वह जो अधीन राजा उसका बन जाता था उसको अपने दरबार में इन्वाइट करता था यज्ञ में, यज्ञ के अवसर पर उनको इनवाइट किया जाता था, और जो यज्ञ होते थे वो स्पेशली ट्रेन प्रिस्ट मतलब पुजारियों के द्वारा वो किए जाते थे, और प्रिस्ट को पुजारियों को बहुत सारे गिफ्ट मिलते थे रिवार्ड में। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकोगनाइज एज बिंग वेरी पावरफुल
एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट फॉर हिम। अब जो राजा जो सेक्रीफाइस करता था, मतलब जो यज्ञ करता था, अश्वमेध जो यज्ञ करता था, अगर वह उसका यज्ञ सक्सेसफुल हो जाता था, दूसरे राजा उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते, तो वह राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता था, मतलब सबसे महान बन जाता था। और जो दूसरे राजा उसके दरबार में यज्ञ में शामिल होते थे, वह उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। स्टूडेंट इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब पहले तो अब क्या सिस्टम चल रहा है कि हम जो अपने लीडर या शासक चुनते हैं तो वो वोटिंग क्रिया के द्वारा चुनते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि जब राजा एक मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कोई राजा होता था, वह अश्वमेध यज्ञ करता था, वह अपना एक घोड़ा छोड़ता था। अगर तो दूसरे राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो उन दोनों उसको फाइट करनी पड़ती थी, युद्ध करनी पड़ती थी। अगर दूसरा राजा उस घोड़े को जाने देता, मतलब कि उसने पहले राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया और उस पहले राजा को पावरफुल मान लिया और उसको फिर सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ में फिर इन्वाइट किया जाता था, और वो जब सेक्रीफाइस यज्ञ में आते थे तो वो उस राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।